जलवायु परिवर्तन और अनिश्चित मौसम कृषि उत्पादन पर अधिक चुनौतीपूर्ण साबित होता जा रहा है। खेत में अधिक लागत तो लगती ही है, साथ में किसानों को नए कीट, खरपतवार, कम उत्पादन से जूझना पड़ रहा है। और पहले की अपेक्षा अभी के जो वातावरण में परिवर्तन है वो तो बहुत काफी परिवर्तन है। पहले अषाढ़ से जेठ से पानी गिर जाता था, अब जेठ में पानी कहाँ है। अब तो तनी मनी छिटा पुटा बारिश हुआ नहीं हुआ, पूरा हम लोग बारिश के लिए तरसते हैं, बारिश होता ही नहीं है। गर्मी भी अगर आ गया तो उतना गर्मी भी नहीं आ रहा है जितना कि पहले लू चलता था, तो अब लू भी नहीं है, बारिश भी नहीं है। बिहार राज्य के कुछ गांवों में कृषि तकनीकों की एक नई पहल अपनाई जा रही है, जिससे किसानों की उपज और आय में निरंतर सुधार हो रहा है। यह कृषि तकनीक जलवायु परिवर्तन के मद्देनजर होने वाली समस्याओं से निजात दिलाता है और किसानों को विकल्प प्रस्तुत करता है। संस्थागत और नीति विकल्पों को शामिल करके यह कार्यक्रम मौसम सक्षम कृषि गांव के नाम से CCAFS परियोजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है। जो यहां गांव जो है सो ये मॉडल ग्राम के रूप में इसको दिखाया जाएगा, जो यहां मौसम परिवर्तन होने के बाद भी किसान की हालत सुखी संपन्न है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत CCAFS विभिन्न संस्थाओं के साथ मिलकर नई तकनीक व अनेक सेवाओं से किसान को जलवायु परिवर्तन से जूझने में समर्थ बना रहा है। CCAFS परियोजना का उद्देश्य है कि नए तकनीक और सटीक जानकारी से किसान इतना समर्थ बन पाए कि जलवायु परिवर्तन और भविष्य में अनिश्चित मौसम में वे सफलता से खेती कर सकें। इन्हीं कार्यक्रमों में है सूचक आधारित कृषि बीमा योजना, जिससे बाढ़, सूखा या मौसम से होने वाले फसल नुकसान की भरपाई कर सकते हैं। इसी कड़ी में शामिल है समय पर कृषि जानकारी और मौसम पूर्वानुमान की सेवा। ऐसी ही अन्य तकनीक है जिससे पानी की बचत होती है, उसका सही उपयोग होता है, भूमि का समतलीकरण, सीधे जल निकासी, संरक्षित खेती, जीरो टिल से समय पर बुआई, कृषि वानिकी, सब्जी आंगनवाड़ी, खेत में फसल अवशेषों की मौजूदगी। आज के डेट में हम लोग को मौसम के बारे में मिलता है समाचार, चाहे श्री विधि से खेती किए, चाहे जीरो टिलर से इस बार किए हैं। तो श्री विधि से खेती किए हम तो 5 मन का कट्ठा धान उपजा है लाइनिंग खर्चा कर। मौसम के बारे में तो कुछ ना कुछ बराबर मिलता है, इसलिए हम लोग उसी ढंग से अपना काम कर रहे हैं। इससे तो हम लोगों को अभी तक जितना मैंने जो आया है उसमें अभी तक हम लोग लाभ ही समझ रहे हैं। इससे बहुत काफ़ी मैंने प्रगति पर हम लोग हैं, इसमें कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है। इससे हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं और इसका जो भी समय समय पर कार्यक्रम भी होता है उससे हम लोग लाभान्वित हैं। जुड़ने के बाद हम लोग को इंश्योरेंस हुआ है, इंश्योरेंस से फायदा हम लोग धान में उठाए हैं, इसके बाद में फिर गेहूं का होने वाला है, तो इससे भी हम लोग को क्षतिपूर्ति का पूर्ति सरकार द्वारा होगा, कंपनी द्वारा। इन तकनीकों के प्रचार के लिए 1750 महिला समूहों को प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें बदलते मौसम व मौसम सक्षम खेती अपनाने की जानकारी दी गई। इन तकनीकों का प्रचार प्रसार वीडियो फिल्म द्वारा वैशाली जिले के विभिन्न गांवों में किया। तब अच्छा वो सब दिखाए, रास्ता बताए, तब रास्ता पर किए तो सफलता हुआ। तब धान में खाद देने के लिए जो कैसे कैसे पड़ता है तो ऐसे ऐसे करा खेती। ऐसे अब सोच रहे कि ये खेती हम लोग करेंगे कि ऐसे लाभ होगा, मेरा बाल बच्चा भी अच्छा से सुखी से रहे, सुखी से खाए। प्रयत्न जारी है कि गांव-गांव में किसानों तक यह जानकारी पहुंचे और इन तकनीकों को अपनाकर वे ज्यादा से ज्यादा लाभ पाएं।